नमस्कार साथियों, जॉम्बीज वर्ड आप सभी ने सुना होगा और इसको लेकर कई सारी फेमस मूवीज भी हमको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि शॉन ऑफ द डेड, साथ ही द वॉकिंग डेड, जिसमें कुछ मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं और एक वायरस फैलने लगता है और देखते देखते हजारों लोग जॉम्बीज बन जाते हैं और ये वायरसेस फैल जाते हैं। ये घटनाएं और ये चीजें बहुत ज्यादा काल्पनिक लगती थी, लेकिन अब नहीं। 1 दिसंबर 2022 को आई एक साइंटिफिक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और पर्दा उठाया इन जॉम्बीज वायरसेस से। दोस्तों, इन ज़ॉम्बीज़ वायरस की रिपोर्ट्स को दुनिया भर के बड़े मीडिया संस्थानों ने कवर किया। दोस्तों, हालांकि ये रिसर्च नेपाल में नहीं हुई थी, लेकिन एक ऐसे रीजन में हुई थी जहां पर परमानेंट बर्फ जमी रहती है, और नेपाल के भी कई उछले इलाके हैं जहां पर ऐसी परमानेंट बर्फ जमी रहती है। हालांकि ये चीज सिर्फ नेपाल के नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह बनने लगेंगे जैसा हमने मूवीज में देखा था, और क्या खोज निकाला इन साइंटिस्ट ने ज़ॉम्बीज़ से कनेक्टेड, और क्या ये ज़ॉम्बीज़ वायरस और क्या ये नेपाल के भी बर्फीले इलाकों में मिल सकते हैं, और यही सब है आज की हमारी OMG नेपाल की रिपोर्ट में, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे OMG। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखे OMG नेपाल। अभी जानते हैं इन ज़ॉम्बीज़ वायरसेस को, जिसे लेकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि टाइम है फेस्टिवल टाइम फॉर ऑल द नेपालीज एंड इंडियंस फुटबॉल फैंस के लिए, और मैं लाया एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग ऑफर आप सभी के लिए, जो कि नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि 1xBet वेबसाइट का लिंक। तो इस लिंक को क्लिक करो, फ्री में रजिस्टर करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करो, जिससे आपको मिलेगा पूरे 100% कैशबैक आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर, साथ ही बहुत सारे और भी एक्साइटिंग बोनसेस। साथ ही सभी नेपाली भाई और बहनों के लिए एक एक्स्ट्रा इवेंट, जो कि आपको फेसबुक पेज पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फटाक से लिंक को क्लिक करो, जहां पर हो रहा है वर्ल्ड कप कॉन्टेस्ट। तो जल्दी जाकर पार्ट और जीतो बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस, जैसे कि iPad, JBL स्पीकर और बहुत सारे लग्जरी आइटम्स। होप करता हूं कि आप में से कोई सब्सक्राइबर ये एक्साइटिंग गिफ्ट जरूर जीतेगा, क्योंकि मैंने ये बहुत सारे अमाउंट जीता है 1xBet पर बेटिंग करके। दोस्तों, आमतौर पर साइंटिस्ट और रिसर्चर परमाफ्रॉस्ट रीजन पर रिसर्च करते रहते हैं। परमाफ्रॉस्ट रीजन धरती का वो रीजन होता है जहां पर परमानेंटली बर्फ जमी रहती है, चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी हो या फिर सर्दी, और कई हजारों सालों से वहां पर बर्फ जमी ही है। और ऐसी एक रिसर्च हो रही थी रशिया के साइबेरिया के यूकेशी अलास्क में, एक लेक के 52 फीट नीचे, यानी करीबन 6 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर की डेप्थ से नीचे के सैंपल से ये रिसर्च की जा रही थी, जो कि परमानेंट फ्रीज था हजारों सालों से, और उसमें मिले करीबन 13 पैथोजेंस, यानी कि 13 नए वायरसेस। और ये एक यूरोपियन साइंटिस्ट की टीम थी, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही इन वायरसेस को निकाला और उसके बाद रिवाइव भी किया, यानी कि जिंदा भी किया। और ये ह्यूमन हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड भी था कि इतने पुराने वायरसेस को कैसे जिंदा कर दिया गया, और इसीलिए इन साइंटिस्ट ने इन वायरसेस का नाम रखा ज़ॉम्बीज वायरसेस, क्योंकि एक ज़ॉम्बीज की तरह मर के जिंदा हो गए हैं। साथ ही ये सभी रिवाइव किए हुए वायरस इन्फेक्शियस भी हैं, यानी कि फैल भी सकते हैं। साथ ही एक इससे बड़ी बात निकल के आई कि इन 13 पैथोजन, यानी ये वायरसेस में से एक वायरस था 48,500 साल पुराना, यानी कि वो एक वायरस करीबन 48,500 सालों से उस बर्फ में दबा था, और उसके बाद भी वो जिंदा हो गया, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और इस एक वायरस ने ह्यूमन हिस्ट्री का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि इन्हीं साइंटिस्ट की टीम ने 2013 में साइबेरिया से एक वायरस निकाला था जो कि 30,000 साल पुराना था, और वो रिवाइव हो गया था। लेकिन अब इस ज़ॉम्बी वायरस ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तो करीबन 48,000 साल पुराना वायरस आज जिंदा हो गया है। तो क्या नेपाल के भी कुछ परमानेंट फ्रोजन रीजन में, जहां पर बर्फ हमेशा ढकी रहती है, उन रीजन में भी कुछ ऐसे ही वायरसेस हो सकते हैं? पर इसके चांसेस काफी कम लगते हैं, क्योंकि नेपाल का रीजन पहाड़ी रीजन है जहां पर मोस्टली बर्फ जमी रहती है। साइबेरिया की लेक की तरह आपको वहां पर कोई इतनी गहरी लेक देखने को नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी बिना कोई रिसर्च के इसको पुख्ता रूप से कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि नेपाल के भी ऐसे रीजंस में कोई रिसर्च हुई ही नहीं है। तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि नेपाल के इन परमाफ्रॉस्ट रीजन में क्या कुछ ऐसे वायरसेस हो सकते हैं, या फिर ऐसी पुरानी एंशियंट चीजें हो सकती हैं जो कि दुनिया ने अभी तक नहीं देखी हैं। दोस्तों, रशिया के साइबेरिया में पाए गए इन वायरसेस को सिर्फ और सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं पाया गया। दोस्तों, इनमें से कुछ वायरस को पाया गया मैमथ के फर में भी। मैमथ एक एंशियंट एलिफेंट होता था जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता था, जिसको आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ ऐसा होता था मैमथ, और इसके टस्क बहुत ज्यादा बड़े होते थे, ये काफी विशाल होता था, और रशिया के साइबेरिया में इनके फॉसिल्स को हमेशा पाया जाता है, क्योंकि ये वेल प्रिजर्व रहते हैं उस बर्फ में, जहां पर इनके फर को भी निकाला जा सकता है, और इसी फर में इनमें से कुछ वायरसेस को पाया गया था। साथ ही एक वुल्फ के फॉसिल्स में भी इनमें से कुछ वायरस को पाया गया, जो कि इस वुल्फ की इंटेस्टाइन के अंदर से निकाले गए थे। तो ये एंशियंट वायरस हमें एंशियंट जानवरों पर भी देखने को मिले हैं, और ये जो ओल्डेस्ट वायरस, जो कि 48,500 साल पुराना है, इस वायरस को नाम दिया गया है पेंडोरा वायरस यडोमा। सो इसका नाम पेंडोरा बॉक्सर पड़ा है, जो कि एक ग्रीक मिथोलॉजी का वर्ड है, और इसका मतलब होता है कुछ बुरा और कष्ट देने वाला। तो इन पेंडोरा वायरस को साइंटिफिकली अगर डिफाइन करें, तो इनको 2013 में पहली बार देखा गया था,
उन वायरसेस के जीन्स अभी तक की जो भी वायरसेस हम जानते हैं उन जीन्स में से सेकेंड लार्जेस्ट जीन्स हैं। फर्स्ट लार्जेस्ट जीन्स होते हैं पीथो वायरसेस के जीन्स। साथ ही ये पैंडोरा वायरस 1 माइक्रोमीटर तक लंबे हो सकते हैं और 0.5 माइक्रोमीटर तक चौड़े हो सकते हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि ये ज़ॉम्बीज़ वायरस कितने खतरनाक है और ये क्या कर सकते हैं और साइंटिस्ट इन वायरसेस को इतनी गहराई से क्यों निकाल रहे हैं और ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं जो कि एक भयंकर पैंडेमिक के फॉर्म में भी बन सकता है अगर ऐसे वायरसेस लीक होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये वायरस अभी भी इन्फेक्शियस है यानी कि फैल सकते हैं जबकि ये हज़ारों सालों से उस बर्फ के अंदर दबे पड़े थे और इनकी एबिलिटी अभी भी है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा को भी ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। और इस माइक्रोस्कोपिक इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे इस ज़ॉम्बी वायरस ने एक अमीबा को इन्फेक्ट किया है। इन फ्रोजन ज़ॉम्बीज वायरस जिनको रिवाइव किया गया इनमें पोटेंशियल है कि ये ह्यूमन प्लांट साथ ही साथ एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं शायद, जिस तरह से इनका इन्फेक्शन एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पर देखा गया है और इनके रिजल्ट्स ह्यूमंस और एनिमल्स में और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं जो कि एक ज़ॉम्बीज की तरह भी हो सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट जो कि इन चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं उनका मानना है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हम इन वायरसेस के ऊपर रिसर्च करें जिससे वाकई में पता चल सके कि ये वायरस कितने ज़्यादा खतरनाक है। साथ साथ पता ये भी चलेगा कि ये वायरसेस कैसे काम करते हैं, ये कैसे फैलते हैं, ये प्लांट्स एनिमल ह्यूमंस पर कैसे असर दिखाते हैं और ये कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं ह्यूमैनिटीज और एनिमल्स के लिए, और जिसके चलते इन रिसर्च से मेडिसिन और साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी बन सकती हैं और इन सब चीज़ों के लिए ये रिसर्च ज़रूरी भी हो जाती है क्योंकि ये वायरसेस भी आने वाले कल में कभी भी फैल सकते हैं और एक पैंडेमिक का रूप ले सकते हैं जैसे कि COVID-19 वायरस ने लिया। लेकिन आपको क्या ये सही लगता है कि साइंटिस्ट का ज़मीन की इतनी गहराई से इन वायरसेस को निकाल कर उनको ज़िंदा करना और उसके बाद उनके ऊपर रिसर्च करना सही है या गलत है, क्योंकि इनको निकालने से भी इन वायरसेस के फैलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या ये सही लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं कि बड़े रिस्क और बड़े थ्रेट हैं क्या इन ज़ॉम्बीज वायरसेस को लेकर। तो सबसे बड़ा खतरा ये चेंज होता क्लाइमेट साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारी धरती गर्म होती जा रही और इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है जिससे तमाम ग्लेशियर्स और आइस मेल्ट होती जा रही, ये बर्फ की चादर धीरे धीरे पिघलती जा रही और इन बर्फ की चादर के पिघलने से ऐसे ही कई डेंजरस वायरस भी पिघलते निकलते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये बर्फ की चादर और पिघलती जाएगी और सारे वायरसेस जो कि एंशियंट वायरस हैं वो निकल कर रिवाइव होते रहेंगे और वो हमारी धरती पर फैलते रहेंगे जिसके कारण बहुत सारे संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिनसे आज तक हम अछूते हैं। और नेपाल में भी इन ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिल सकता है जहाँ पर पिघलते हुए ग्लेशियर्स पिघलते हुए पहाड़ हम देख सकते हैं और इन पर कई रिसर्च भी हुई है, कई रिपोर्ट्स भी हैं कि अगर बर्फ ऐसे ही पिघलती रही तो बहुत सारे किलर वायरसेस इस धरती पर फैल जाएंगे जो कि ह्यूमन के लिए बहुत बड़े खतरे पैदा करेंगे और वैसा ही कुछ ये ज़ॉम्बी वायरस भी इशारा कर रहे हैं। तो दूसरा बड़ा रिस्क है ह्यूमन की गतिविधियां जो कि हमेशा से बढ़ती रही हैं और ये अब आर्कटिक रीजन में और परमानेंट आइस वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आर्कटिक एक्सप्लोरेशन के नाम पर दुनिया की कई सारी कंट्रीज़ में एक रेस सी लगी हुई है कि वहाँ पर कई सारी रिसोर्सेज को ढूंढती हैं, माइनिंग करती हैं और बहुत सारी गतिविधियाँ करती हैं और ऐसी माइनिंग से कौन से वायरसेस ओपन हो जाए और ह्यूमन लाइफ के लिए वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो उसका हमको नहीं पता। तीसरी चीज़ है पोचिंग यानी कि जानवरों के पार्ट्स का अवैध व्यापार जिसमें मैमथ और कई और जानवरों के पार्ट्स शामिल हैं और मैमथ के आइवरी को ही बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है जिसमें बेचा जाता है जो ये एक फॉसिल्स के फॉर्म में कई हज़ारों सालों से बर्फ में दबे हुए हैं और इनके पार्ट्स ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं और ये एक $1 बिलियन की इंडस्ट्री अपने आप में। और ये जो एंशियंट जानवर है इनके अवशेष हैं ये वेल प्रिजर्व्ड हैं बर्फ के नीचे जिसे ये प्रोचर्स लगातार तलाश करते रहते हैं और इन फॉसिल्स के अंदर ही बहुत सारे वायरसेस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रोचिंग से ह्यूमन और इन वायरस के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है और ये ह्यूमन पूरी सभ्यता में ऐसे ही वायरसेस को फैला सकते हैं जो कि अभी तक की हमने नहीं देखे। तो ये थे तो ज़ॉम्बीज वायरसेस और इनके खतरे जो कि अभी हमको रिसर्च में हाल ही में जानने को मिले। आपको ये रिसर्च और ये रिपोर्ट थोड़ी भी पसंद आई हो और थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी नॉलेज सब तक पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस पर एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए वो एक कमेंट हो सकता है, एक लाइक हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो एक मोटिवेशन है जो कि हमको ऐसे ही काम करने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद NI News।